नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल एन यूनिवर्स 22 में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे स्केलेटन पैटर्न के बारे में। इस टाइप के पैटर्न का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें लार्ज साइज की कोई कास्टिंग तैयार करनी होती है और उसको शेप देना आसान होता है। और अगर हम बात करें, यह एक प्रकार से रिब्ड कंस्ट्रक्शन होती है जो वुड से बनी होती है। जैसा कि हम स्वीप पैटर्न में एक वुडन फ्रेम लेते हैं, उसी प्रकार स्केलेटन पैटर्न में भी एक वुडन फ्रेम लिया जाता है, लेकिन फ़र्क होता है स्ट्रक्चर का। किस प्रकार से इसमें स्ट्रक्चर होती है उसकी हम बात करेंगे। इसमें जो हम स्केलेटन पैटर्न का प्रयोग करते हैं, अगर हम उसकी जगह पर सॉलिड पैटर्न का यूज करें तो उस केस में हमें ज़्यादा मात्रा में लकड़ी की ज़रूरत होगी, तो जिसके कारण हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी और इन इकोनॉमिकल वह हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम सॉलिड पैटर्न की बजाय एक स्केलेटन बनाते हैं जो हमारा डिज़ायर्ड शेप का स्केलेटन होता है। और इसमें कैसे इसको बनाया जाता है, इसमें सबसे पहले दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट हम जो कोप है उसके लिए बनाते हैं और दूसरा पार्ट हम ड्रैग के लिए बनाते हैं। तो एक प्रकार से यह वुडन का फ्रेम होता है, लकड़ी से बना हुआ होता है जिसपे स्ट्रिप्स बनी होती हैं जिसे हम रिब्स कहते हैं। और जो स्केलेटन फ्रेम है उसको हम मेटल बेस के ऊपर माउंट कर देते हैं। और माउंट करने के बाद अगर आप देखें, स्टार्टिंग में हमने ये वुडन फ्रेम बनाया था, उसको लोम सैंड की मदद से उसको फिल कर दिया गया है। और उसके बाद एक स्टिकल बोर्ड की मदद से जो हमारा एक्स्ट्रा या जो सरप्लस सैंड है, क्योंकि जो लोम सैंड हमने फिल किया है इस स्केलेटन वुडन फ्रेम में, रैमिंग करने के बाद, सैंड की रैमिंग करने के बाद जो एक्स्ट्रा या सरप्लस जो भी सैंड होगा, इस स्टिकल बोर्ड को इसके ऊपर से हम एक बार से पास करेंगे और एक्स्ट्रा जो सरप्लस है, जो सैंड है, वो रिमूव हो जाएगा। तो इसके बाद अगर हम बात करें कि जो स्केलेटन पैटर्न है इसके द्वारा हम क्या क्या बना सकते हैं, इसके द्वारा हम जो टर्बाइन केसिंग होती है उसको बनाया जा सकता है, जो सोयल और वाटर के पाइप्स हम इस्तेमाल करते हैं उसको बनाए जा सकते हैं, ऑयल पाइप बना सकते हैं, पाइप के बैंड बनाए जा सकते हैं, बॉयलर सेल बना सकते हैं, वाल्व बॉडीज बनाई जा सकती हैं, बॉक्सेज बनाए जा सकते हैं, एल बैंड हम बना सकते हैं। तो ये बहुत सारी एप्लीकेशन है जो आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, तो इन सभी को हम बड़ी आसानी से बना सकते हैं। और जो रिब्ड कंस्ट्रक्शन की हमने बात की है वो लार्ज नंबर में होते हैं, वो स्क्वायर भी हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर ओपनिंग भी हो सकती हैं। तो इस प्रकार से जो स्केलेटन पैटर्न है उसको बनाया जाता है। और जो स्केलेटन पैटर्न की अगर हम बात करें, इस टाइप के पैटर्न को पीट और फ्लोर मोल्डिंग प्रोसेस में ही हम प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कस किया कि स्केलेटन पैटर्न कैसा होता है, किस प्रकार से उसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो फ्रेम एक हमने बनाया है कोप के लिए और जो ड्रैग के लिए बनाएंगे, बाद में दोनों को आपस में अटैच कर दिया जाता है और उसके बाद उसमें मोल्टन मेटल को फिल कर दिया जाता है और जो कैविटीज़ होती हैं उसमें मोल्टन मेटल चला जाता है और बाद में इनको रिमूव कर देते हैं। तो इस प्रकार से पाइप्स और जो पाइप बैंड्स वगैरह हैं उनको इसमें बना सकते हैं। और इसमें हम अलग से अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जो कोर है उसको भी अलग से तैयार किया जा सकता है। तो इस दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया कि स्केलेटन पैटर्न कैसा होता है दिखने में, किस मटेरियल का वो बना होता है और उसकी एप्लीकेशन क्या है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट के साथ, और एन यूनिवर्स 22 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।